नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीडियो के बारे में जिसके बारे में आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि एक वीडियो आपको तैयार करके देने वाला हूं NSS का। जी हाँ, NSS क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कुछ सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इन सभी सवालों पे चर्चा करेंगे। NSS क्या है, NSS के फ़ायदे क्या हैं, क्या सरकारी नौकरी में इसका फ़ायदा होता है, फॉर्म कब भरे जाएंगे और कौन कौन मतलब कि NCC ले सकता है, NSS ले सकता है, किस किस को इसके फ़ायदे होते हैं, क्या मतलब कि कॉलेज में इसकी प्रोसेस क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। NCC का वीडियो मैंने डिटेल से डाल दिया था, फॉर्म चालू हैं, कुछ कॉलेजों के फॉर्म की डेट कंप्लीट हो गई है। LBS कॉलेज के NCC के फॉर्म की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। लेकिन अभी बात करते हैं NSS के बारे में। NSS क्या है, नेशनल सर्विस स्कीम। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, नेशनल सर्विस स्कीम जो कि आपकी NSS है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे, कैसे आप फॉर्म लगा पाएंगे, क्या करना है, और LBS कॉलेज कोटपुतली के विद्यार्थियों को क्या करना है, अगर आपको NSS लेना है तो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे कैसे आपकी प्रोसेस होने वाली है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी सरकारी कॉलेज हैं, प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, NSS तो लगभग सभी में होता ही है। प्राइवेट कॉलेज जो हैं उनमें भी मतलब कि NSS होता है, वहाँ पे भी स्टूडेंट ले सकते हैं। और जो बात करें UG और PG दोनों के विद्यार्थी यहाँ पे इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं NSS क्या है। NSS नेशनल सर्विस स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो आपके पास NSS तो होना ही चाहिए। NCC में तो देखो क्राइटेरिया थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, वहाँ पे रेस पास करनी पड़ती है, फिजिकल, मेडिकल, इंटरव्यू, इन सभी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। लेकिन NSS में ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म चालू होते हैं इसके, जैसे ही फॉर्म चालू होते हैं आपको फॉर्म देना होता है, NSS का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे फॉर्म जमा करवाना होता है, उसके बाद में आपको NSS मिल जाती है। और जो इसमें कार्य होते हैं, क्या करना पड़ता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया NSS क्या है। NSS जो कॉलेज में आपके जितने भी कार्य होते हैं, यानी कि जो भी ऐसे कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम जो आपको करवाए जाते हैं, वो NSS के माध्यम से करवाए जाते हैं कॉलेजों में, सरकारी कॉलेजों में हो या प्राइवेट कॉलेजों में। कार्य किस प्रकार से हो सकते हैं, कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, स्वच्छता का कैंप हो गया, रंगोली प्रतियोगिता, बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं, जो पोलियो अभियान हो गया, बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो मतलब कि कॉलेज के तहत आयोजित करवाए जाते हैं, मतदाता जागरूक अभियान, ऐसा भी एक कार्यक्रम होता है। तो ये सभी कार्यक्रमों में क्या होता है, स्टूडेंट्स को हिस्सा लेना होता है, वहाँ पे भाग लेना होता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब कि आपको कोई काम अलग से करवाया जाता है या फिर कोई फाउली वाला काम ऐसा कुछ करवाया, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोगों ने इमेज बना रखी है कि NSS में तो क्या है कि कॉलेज में साफ सफाई का काम करवाते हैं, तो कॉलेज अपना कैंपस ही तो है, कॉलेज में साफ सफाई कर देंगे तो क्या दिक्कत है, कॉलेज में पौधारोपण हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं NSS के तहत। तो बिल्कुल आपको NSS में आपको भाग लेना चाहिए, फॉर्म लगाना चाहिए, NSS यही है। इसमें क्या फ़ायदा है, NSS के फायदे क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। NSS का फायदा सीधा सा ये है कि जब आप किसी कॉलेज में NSS लेते हैं, तो एक सवाल जो आपका बीच में छूट गया है यहाँ से मैं बता देता हूँ, NSS कौन कौन सी कक्षा को मिलती है। क्योंकि एक सवाल ये भी है कि जैसे NCC का मैंने बताया था, केवल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ही जो रेगुलर होता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी प्राइवेट कॉलेज में जिसमें NCC है, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज जिसमें NCC होती है, तो उसमें उसको NCC मिलती है केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को। वैसे यहाँ पे भी कुछ क्राइटेरिया है NSS का भी, तो NSS का क्या क्राइटेरिया है वो मैं बताता हूँ आपको। NSS में देखो फर्स्ट ईयर का, ये बात करते हैं UG फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट और सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, और बात करें PG प्रीवियस, ये 2 साल का होता है। देखो फर्स्ट ईयर में लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा सेकंड ईयर तक, सेकंड ईयर में लेते हैं तो आपका हो जाएगा फाइनल तक कंप्लीट। बात करें PG प्रीवियस में लेते हैं तो PG फाइनल में, इसमें 1 साल जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे NCC होती है तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल लेनी होती है, मतलब कि फर्स्ट ईयर में मिल जाती है और तीनों साल आपको कंप्लीट करनी होती है। वैसे ही NSS का है, फर्स्ट ईयर में लेंगे तो सेकंड ईयर में कंप्लीट हो जाएगी आपकी, सेकंड ईयर में लेंगे तो फाइनल में हो जाएगी, लेकिन फाइनल में आप अकेले 1 साल के लिए NSS नहीं ले सकते। वैसे ही बात करें PG में, तो प्रीवियस में लेना पड़ेगा, उसके बाद में आपको PG प्रीवियस और PG फाइनल दोनों में यहाँ पे इसको मतलब कि रखना होता है आपके पास में, नहीं लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको कम से कम 2 साल यहाँ पे नियमित रूप से आपको NSS में हिस्सा लेना पड़ेगा। अब इसके तहत क्या करना है, सबसे पहले बात करूँ इसके फायदे क्या है। तो जैसे यानी कि आपने मान लो यहाँ पे लिया फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में लिया आपने, सेकेंड ईयर में लिया, सर्टिफिकेट मिल गया,
इसके बाद में क्या आपने यूजी कोर्स कंप्लीट किया, बीए बीएससी बीकॉम सभी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीए बीएससी बीकॉम आपने लिया, यहाँ पे कंप्लीट हो गई आपकी बीए बीएससी बीकॉम की डिग्री। उसके बाद में आप एडमिशन ले रहे होते हैं कहीं पीजी में, यानी कि एमए एमएससी एमकॉम में कहीं एडमिशन ले रहे होते हैं, तो वहां पे जब एडमिशन लेने जाते हैं तो आपकी जो परसेंटेज होती है ग्रेजुएशन की, उसके साथ में 3% आपको यहाँ पे फायदा मिलता है। अब वो परसेंटेज में ऐड नहीं होता है, लेकिन आपका जो पास यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो एडमिशन किस बेसिस पे होता है, परसेंटेज के बेस पे होता है सरकारी कॉलेजों में, या फिर और भी बात करें जैसे मतलब कि जिसमें ये लगता है एंट्रेंस एग्जाम लगता है, तो वहाँ भी साथ में सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, इसका भी फायदा आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे भी परसेंटेज आपकी इंक्रीज हो जाती है जितने नंबर आते हैं एंट्रेंस में, उस हिसाब से आपका नंबर के बाद में वहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होती है, उसमें इंक्लूड होता है वो। वैसे ही बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में, तो यहाँ पे भी यही नियम है कि 3% का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। किसी की मान लो ग्रेजुएशन में 65% है, तो अभी किसी सब्जेक्ट से आपने पीजी के लिए फॉर्म लगा दिया तो 65 तो आपकी वो थी और 3% आपकी ये ऐड हो जाएगी, तो 68% आपकी वहाँ पे काउंट होगी मार्कशीट में, चाहे आपके ग्रेजुएशन की परसेंटेज 65 ही हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके 3 वहाँ पे काउंट होने वाली है, तो 3% का फायदा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये था पीजी में आपके एडमिशन का जो फायदा होता है, किसी में भी हुआ एडमिशन में बहुत सा फायदा आपको देखने को मिलता है, तो ध्यान रखें 3% का सीधा सा फायदा है, इस चीज को समझे आप, 3% का फायदा आपको यहाँ पे होने वाला है। अभी आपकी मार्कशीट में ऐड होके नहीं आएगा, काफी लोगों के सवाल थे पिछले कुछ वीडियो पे भी, कमेंट आए थे एनसीसी के बाद में भी कि क्या जो परसेंटेज, जैसे हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, तो ये 3% यहाँ पे ऐड होके आएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इसका सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा, आपको एनएसएस के जितने भी कार्यक्रम आपके कॉलेज में होते हैं उन सभी में हिस्सा लेना होगा। किसी कार्यक्रम में नहीं रह पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका कैंप लगता है 7 दिन का, उसमें आपका रहना अनिवार्य है। और दूसरी चीज, वहाँ पे साइन होते हैं डेली, तो आपको साइन करना अनिवार्य है जब कैंप लगे तब। और बाकी जब कभी कार्यक्रम हो एनएसएस का, जैसे मान लो पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद में संगोष्ठी हो जाती है, तो वहाँ पे अटेंडेंस सीट होती है, उस पर सीट, ऐसा नहीं है कि आपका डेली ही कोई कार्यक्रम हो, ऐसा नहीं है। एक चीज बता देता हूँ, आने वाले समय में, जैसे आज वीडियो हम बना रहे हैं 9 सितंबर को, तो 24 सितंबर को ही एनएसएस का स्थापना है, तो आपके आपके कॉलेजों में इसको लेकर बहुत से कार्यक्रम आयोजित होंगे, तो बिल्कुल आप यहाँ से, इससे पहले आपके सभी कॉलेजों में, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं क्या सरकारी नौकरी में इसका फायदा है, ये सवाल बहुत ज्यादा निकल के आता है कि क्या इस चीज का सरकारी नौकरी में फायदा है, तो मैं एक चीज बता देता हूँ, सरकारी नौकरी में इसका फायदा नहीं है, लेकिन एनसीसी का मैंने आपको बताया था, एनसीसी की जो जितनी भी बेल्ट की नौकरी होती है उसमें फायदा होता है। कभी में तो इंटरव्यू होता ही नहीं है, टेस्ट नहीं होता, इंटरव्यू नहीं होता, इन सभी चीजों से वहां पे बच सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में एनएसएस का कोई फायदा नहीं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन एक चीज का फायदा सरकारी नौकरी में आपको इसमें देखने को मिलेगा एनएसएस का, क्या है कि आप जब किसी नौकरी का जो फॉर्म भरते हैं उसके बाद में एग्जाम देते हैं, तो आप फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में क्या इंटरव्यू भी एक चीज होती है, तो इंटरव्यू में आपके क्या है, क्वालिटी देखी जाती है कि किस हिसाब से आपका जो वक्तव्य रहा है, तो उस चीज को देखा जाता है, पर्सनल ग्रोथ को देखा जाता है उस हिसाब से। तो वहां पे एनएसएस बहुत फायदेमंद आपके लिए होने वाला है इंटरव्यू में। नंबर अलग से ऐड नहीं होता है किसी चीज का, लेकिन सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे तो आपकी ग्रोथ, आपकी क्वालिटी को वहां पे, आपके परफॉर्मेंस को वो शो करता है कि आपने सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लिया है, ऐसी चीजें जहां पे आप सामाजिक सरोकार करते आए हैं, मतलब जागरूकता का काम करते हैं, इन चीजों को यहां पे प्रायोरिटी दी जाती है और आपका इंटरव्यू अच्छा हो सकता है। तो ये चीजें यहां पे आपके सामने है। फोरम कब भरे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फोरम को लेकर मैं आपको बता देता हूं, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट लिस्ट जो भी आनी थी वो आ चुकी है, उसके बाद में खाली सीटों पे प्रोसेस चल रहा है। प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनमें खाली सीटों पर एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी कुछ कॉलेजों में इसका नोटिस आ चुका है, कुछ कॉलेजों में नोटिस चालू नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्म फिर भी इसके मतलब कि फॉर्म प्रिंट आता है वो मिल जाता है कहीं से भी, मतलब कि कॉलेज में आपका जो एनएसएस का डिपार्टमेंट है वहां से आप ले सकते हैं, तो एक चीज ध्यान रखें। अब बात करता हूं मैं प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का, उसके बाद में बात करूंगा एलबीएस कॉलेज कोटपुतली का। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अगले 7 दिन के अंदर आपके एनएसएस का नोटिस देखने को मिल जाएगा नोटिस बोर्ड पर। आपको एनएसएस लेनी है बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो एनएसएस जरूर ले, बहुत काम आने वाली चीज है, 3% बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एडमिशन हुआ है तो देख लीजिए आपके वेटिंग लिस्ट में 1% में कितने लोग नीचे रह गए हैं एडमिशन में, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3% बहुत मायने रखेगी आपके पीजी जब करेंगे, तो बीएड में भी बहुत मायने रखती है, इसको भी ये देखा जाता है, ध्यान रखें। तो एनएसएस का सर्टिफिकेट बहुत फायदेमंद है, आपको लेना चाहिए, आप फॉर्म जरूर भरेंगे। अब बात करते हैं पर एलबीएस कॉलेज कोटपुतली का, तो एलबीएस कॉलेज कोटपुतली के विद्यार्थी ध्यान देंगे, एनएसएस के फॉर्म आपके शुरू हो गए। फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म के लिए क्या करना है,
फोरम देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा फोरम है, एक पेज का फोरम है, आपको भर के रूम नंबर 25 में जमा करवाना है। सज्जन सर हैं वहाँ पे, आपको उनको जमा करवाना है। पद्मा मैडम है, उनको जमा करवाना है, जो NSS के यूनिट के हेड होते हैं उनको आपको यहाँ पे जमा करवाना होता है। इसमें कोई सीटें फिक्स नहीं होती हैं, 400-500 सीटें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना ले सकते हैं लीजिए, जितने स्टूडेंट लेंगे उतना फायदा है। जो रेगुलर आएगा उसको मतलब कि इसका फायदा होने वाला है, जो नहीं आएगा उसका नाम काट दिया जाएगा, सीधी सी बात है। तो जब कार्यक्रम हो, कभी कभी कार्यक्रम होता है, महीने में एक कार्यक्रम दो कार्यक्रम होते हैं, तो उस टाइम आपको आना होता है। तो कॉलेज तो वैसे भी आना है आपको पढ़ाई के लिए, तो ध्यान रखें NSS आपको लेना है। इसकी अंतिम तिथि कोई नहीं है LBS कॉलेज के स्टूडेंट, मैं बता दूं अभी LBS कॉलेज कोटपुतले के स्टूडेंट्स को, NSS के भी कोई लास्ट डेट नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। लेकिन इसके फॉरम आप ले सकते हैं, प्रिंट मेरे पास जो प्रिंट है ये भी प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, इसका आप प्रिंट निकलवा लेना। उसके बाद में आपको भर के या 25 नंबर कमरे में जमा करवाना है। साथ में क्या लगाना है, फीस की रसीद जो आपने मित्र पे जमा करवाई थी, जो आपकी फीस की रसीद है, एडमिशन की फीस रसीद, और दूसरी चीज़ क्या है, आपका आई कार्ड, उसकी एक फोटोकॉपी करवा के आप वहाँ पे जमा करवाएंगे। तो ध्यान रखें तीन चीज़ें आपको, फॉरम भर के, इसमें फोटो लगेगी फॉरम में तो वो भी लगानी है, पूरे डिटेल्स भरनी है और सारी आपको जमा करवानी है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो चैनल पे कमेंट करना, हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल सभी से जुड़ जाएंगे आप। इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ध्यान रखें NSS जरूर लेना है, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ, बहुत फ़ायदा है। मेरे पास भी NSS थी, मुझे PG में इसका बहुत फ़ायदा मिला, तो ध्यान रखें। NSS से संबंधित जो भी डिटेल्स थे मैंने आपको दे दी हैं, काफ़ी समय से मैंने कहा था कि जैसे NCC का वीडियो बनाया था, तो मैंने बोला था कि जल्दी आपको NSS का वीडियो दूंगा, लेकिन थोड़ा समय लग गया, लेकिन आपको वीडियो अवेलेबल करवा दिया कंप्लीट डिटेल्स के साथ। फिर भी कोई डिटेल्स रह गई हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखें NSS जरूर लेनी है, फॉरम जरूर अप्लाई करें। और बाकी प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का नोटिस NSS का जल्द ही आपके नोटिस बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा, तो आप भी ध्यान रखें NSS जरूर लेंगे। इससे संबंधित कोई अपडेट आपको चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।